लाउडस्पीकर विवाद की, जिसको लेकर देश में माहौल गर्म है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि लाउडस्पीकर पर अजान बंद हो, वरना हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुंबई से शुरू हुआ विवाद अब बिहार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वो अब कर्नाटक से होते हुए बिहार पहुंच गया है। तो बाबा साहब के हवाला दे करके, संविधान की बात करके, एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। जनक राम बीजेपी के नेता हैं। बिहार में इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, उनमें बीजेपी कोटे के मंत्री का ये बयान काफी अहम हो जाता है। धर्मधान में सबको, हर धर्म जाति के लोगों को छूट दी गई, अपने हिसाब से वो धर्म को मान सकते हैं। इसलिए आरजेडी नीतीश कुमार से भी सवाल पूछ रही है। ये है, ये जो मंत्री महोदय है, शायद बीजेपी के मंत्री महोदय है, मैं तो पूछना चाहूंगा, नीतीश जी, ये अंतरात्मा वगैरह कोई चीज है या वाल्मीरे में बंद हो गई हमेशा के लिए? इस तरह की जुबान बिहार में नहीं बोली जाती थी। मेरे राज्य में, मेरा राज्य है विशाल हृदय का राज्य, उसमें संकीर्ण दायरे में सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, झटका लगेगा उन्हें। लाउडस्पीकर पर सबसे पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बयान दिया था, जिसके बाद मुंबई के कई इलाकों में नमाज के जवाब में समर्थकों ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मुंबई से बात बढ़ी और पड़ोसी राज्य कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। पिछले कई दिनों से कर्नाटक के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जब सवाल हुआ, तो उनका कहना था कि हर चीज के लिए देश के नियम कानून हैं और उसी से काम होगा। देखिए, ये नॉइस पॉल्यूशन के कानून हैं, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। समाज संप्रदाय पर बंदिश के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। और मुझे लगता है जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक, उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड ने चार भागों में ध्वनि मानदंड तय कर रखे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन रात में 75 और 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 50 और 40 डेसिबल, शांत इलाकों में दिन के लिए 50 और रात के लिए 40 डेसिबल। यहाँ दिन का मतलब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात का मतलब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। दर्शकों को बता दें कि डेसिबल ध्वनि मापने की मात्रा है और इसका पालन नहीं करने पर कानून में जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन नियम होने के बावजूद भी पालन नहीं होता। अब जब विवाद हो रहा है तो कई राज्यों में कानून के पन्ने पलटे जा रहे हैं। ताज़ा आदेश राजस्थान के अजमेर से आया है, जहां जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसे लेकर भी विवाद हो रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।